रशिया के साथ साथ सिस एंड बाल्टिक रीजन के भी आप ज्वाइंट रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं। इसके अलावा आप रशिया के आर्ट एंड कल्चरल ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं। और एक बहुत सुंदर, आप सभी ने कई बार देखा होगा जब पीस ऑफ माइंड पे कई सॉन्ग्स आते हैं, कई वीडियोस आते हैं, तो आपने देखे होंगे रशियन सिस्टर्स डांस करते हुए आपको दिखाई दिए होंगे स्क्रीन पर। तो वो डिवाइन लाइट कल्चरल ग्रुप है, वो भी दीदी के ही नेतृत्व में वो ग्रुप का निर्माण हुआ और उनकी सेवाएं, कल्चरल सेवाएं चारों ओर चलती हैं। और आदरणीय दीदी जी बाबा के अनमोल रतन हैं। और आप विशेष, आपको सभी बड़ी दीदी और दादियों की भी पालना मिली, भ्राता जगदीश भाई जी से भी आपने बहुत पालना ली। और दीदी में ऐसी विशेषता है कि उन्होंने अपनी मनसा द्वारा, रशिया के आज का टॉपिक भी है मनसा द्वारा बेहद की सेवा, तो दीदी आपने कैसे विदेश में जाकर के उन रशियंस को, जिनकी बुद्धि, जिनकी वृत्ति, कल्चर, रिलीजन सब अलग था, और कैसे आपने मनसा के एक्सपेरिमेंट्स कर करके उनको भी बाबा की ओर खींचा, बाबा का बनाया। तो आज हमें भी आप वो कला सिखाइए, वो विधि सिखाइए कि हम कैसे अपनी मनसा को पावरफुल करें और बेहद की सेवाओं की ओर आगे बढ़ें। आदरणीय समष्टि जी। थैंक यू, गुड इवनिंग। सबको बहुत बहुत बधाई हो जो ईश्वरीय उन्नति के लिए आप सब रोज, कल भी और आज भी जुड़े हैं, कल भी जुड़ने वाले हैं। और धन्यवाद जो आपने याद किया। ड्रामा अनुसार मुझे इंडिया में 10 तारीख को पहुंचना था, 10 फरवरी को, लेकिन कोई कारण से चेंज करना पड़ा ट्रिप। और आज सुबह 2 बजे ही मैं इंडिया पहुंची हूँ और एकदम से कुछ नई सेटिंग करके आपके सामने है फिलहाल। और ये भी समझिए कि हमारी मन की शक्ति हमको जोड़ रही है, क्योंकि संकल्प था शाम को आप सबसे मिलना है। सब कुछ चेंज हो रहा था लेकिन संकल्प ढीला नहीं हुआ, मिलना ही है क्योंकि चेंज नहीं करेंगे। तो खुशी हो रही है। मनसा शक्ति माना आध्यात्मिक शक्ति, इनर पावर, मन की शक्ति से, आत्मा की याद की शक्ति से कोई भी कार्य करना है वो मनसा सेवा कहलाती है। क्योंकि हम जानते हैं हमारी आसपास आजकल टेक्नोलॉजी और जितने भी अप्लायंसेस हैं उसके इतने ढेर हैं, ऐसे मिनट मोटर के तरह से सब काम होता है। अभी एयरपोर्ट से अभी अभी फ्रेश आई तो उसी का ही उदाहरण देखें कि हर तरफ जिसको कभी प्यास लगे, कुछ खाने को मन कर रहा है तो मशीनें खड़ी हैं, बटन दबाएंगे, जितना कॉस्ट उसका लिखा हुआ है वो कॉस्ट उसमें डाल करके, पैसा डाल करके वो अपनी चीज ले लेंगे। अब वो चीज चाय है, कॉफी है, कोई और दूसरी, आप घर पर जब खाएंगे, जब आपको आपकी माँ बना के देगी, वाइफ बना के देंगी, बहन बना के देंगी, या फिर जो ईश्वरीय विद्यार्थी हैं अभी वही चीज जो है उनको योगी लोग सेंटर पर ज्ञान योग करने वाले बना करके देंगे। एक तो मशीन ने बनाई, चीज वही है, प्रोडक्ट्स वही हैं, लेकिन एक किसी योगी ने बनाई तो अंतर क्या होगा उसमें। तो मनसा सेवा माना ये जो आत्मा जब किसी चीज को टच करती है, एक तो मशीन ने टच किया, ग्लास भी मशीन ने उठाया, उसमें उसका पोर्शन भी बना करके आपको दे दिया। और लेकिन जब किसी योगी ने, ईश्वर से प्रेम करने वाले किसी आत्मा ने बहुत प्यार से, शक्तिशाली भावना से आपको वो ग्लास तैयार करके दिया, तो आपको उससे जो खुशी मिलती है, प्रेरणा मिलती है, उसमें अंतर होता है। तो इसी को ही हम बहुत छोटे लेवल पर, डे टू डे लेवल की एक मनसा सेवा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा चैतन्य है। तो जो भी कार्य
चेतन सत्ता करती है उसमें और मशीन में अंतर होता है। ये जो हमारे स्वभाव का मशीनीकरण होता जा रहा है, एक फास्ट लाइफ के कारण हम कॉन्शियस होकर के जब एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते, एक रूटीन की तरह से, आपने देखा होगा जब 200 लोगों को फ्लाइट खाली करनी है तो एयर होस्टेस सब हाथ जोड़ करके खड़े होंगे, हाथ बांध करके खड़े होंगे, और चलो 5, 10, 20 लोगों को तो आपको अच्छा आपकी यात्रा अच्छी रही होगी, फिर आप हमारे पास आई, अच्छा फिर लेकिन 10-15 के बाद जा करके फिर वो जो चेहरे के एक्सप्रेशन होंगे या वो फीलिंग्स होंगी वो अलग हो जाती हैं। तो जब देह अभिमान में किसी आत्मा को, किसी मनुष्य को मालूम नहीं कि वो आत्मा है, तो वो तो समझ में आता है इंसान होते हुए भी मशीन की तरह से व्यवहार होता रहता है। लेकिन हम सब ईश्वरी विद्यार्थी जब इस बात को अच्छी तरह से समझ गए, अनुभव कर लिया कि हमारा जो सत्य है अपने स्वरूप का, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, ओरिजिनली पवित्र हूँ, तो हम उस स्थिति को अच्छी तरह से अपने जीवन में हर कर्म में जब पक्का करते जाते, स्थाई करते जाते हैं, तो वो वाइब्रेशंस, फीलिंग्स, आप चाहे आपके रेगुलर काम हो, जरूरी नहीं है कि आप बैठ करके योग लगाएंगे तो ही लोगों को अच्छा लगेगा, महसूसता होगी शांति की, नहीं, क्योंकि आप इस शरीर में हैं, आपको ये बात याद है, तो इस आत्मिक याद की शक्ति से आपके नेचुरल जो प्रकंपन चलते रहते हैं सारा दिन, वो दृष्टि से, वो चेहरे से, अच्छी तरह से आपके आसपास का वातावरण जो है वो श्रेष्ठ बना के रहते हैं, इसको ही सेवा कहते हैं। आपने एसी लगा दिया, अच्छी पेंटिंग कर दी, अभी आजकल तो सर्दियां हैं तो एसी थोड़ी लगाएंगे, फिर तो आप हीटर लगाएंगे, सब साधन लगा दिए, उसको अच्छा वातावरण का शब्द नहीं देते, उसको कंफर्टेबल, कन्वीनियंस इकट्ठा करना बोलते हैं। लेकिन इन सब कन्वीनियंस के बीच जब आपकी उपस्थिति होती है, अर्थात आत्मिक शक्ति वाले व्यक्तित्व की उपस्थिति होती है, तो एक बहुत ही सुंदर सी शांति, साइलेंस, एकांत जैसे बहुत सी चीजें होते हुए भी एक ऊंचाई का वातावरण है, इसको कहते हैं मनसा सेवा। तो आज दुनिया में हर कोई ये चाहता है, सच को तो तलाश करते हैं लेकिन ये चाहता है कि डर खत्म हो जाए, भय बना हुआ है। अभी आज हम जब आ रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, कंडीशंस जो हैं वो फ्लाइट से ट्रैवल करने की भी बहुत, जो लोग रुचि रखते हैं समाचार को अच्छी तरह से देखते पढ़ते हैं, मालूम होगा कि आज से 6 मास पहले आपने ट्रैवल किया फ्लाइट से या 1 साल पहले किया, एक तो आप विद इन इंडिया ट्रैवल करो, एक जो है आप इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे, तो वो 10 गुना मैं कहूंगी मुश्किल हो गई है और डेंजरस तो है, कभी भी आपको कुछ भी आप ले करके आ जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें अपनी सेवा अर्थ आना जाना हम करते हैं। तो जब हम आ रहे थे तो नेचुरली सबके अभी मास्क के कारण फेसेस तो बंद है, तो 30 साल से आते हैं एयरपोर्ट का यूज करते हैं, इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है दिल्ली का, तो जो भी स्टाफ है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, और उनकी जो स्टेज पहले होती थी रिलैक्स होकर के सब पैसेंजर्स के साथ डील करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन अब उनको सैलरी उतनी है और काम हो गया डबल, ट्रिपल और कभी कभी 4 गुना। तो अब उन्होंने जिस प्रकार से वैल्यू समझी
पहले हम आते जाते थे, ठीक है हाँ आए हैं आप, अच्छी बात है, उनको रिगार्ड है हमारा क्योंकि हम योगी हैं, लेकिन अब खड़े होकर के खास उन्होंने लिस्ट में देखा कि हाँ संतोष दीदी हैं, उनको मालूम है कि वो आ रहे हैं, पहचान हो गई, खास खड़े हुए कि आप अभी यहाँ बैठे हैं, आपको वेट करना है, टेस्ट हो रहा है आपका, तो आप हमें कुछ अच्छी बातें सुनाई क्योंकि हम इतने सालों से आपको देखते थे, कभी सुनने की कोशिश नहीं की, लेकिन अभी लगता है हमें भी अपने मन को शांत बनाना पड़ेगा। तो मनसा सेवा अर्थात आप अपने शुभ भावना से, ये दूसरी बात है, एक तो आप कॉन्शियस रहें कि आप आत्मा हैं, कोई भी काम करते समय शरीर नहीं है, मशीन नहीं है, आत्मा है, तो आत्मा की पवित्रता की शक्ति से हर प्रकार से व्यवहार आपका चलता रहे। और दूसरा जो है शुभ भावना और शुभकामना, शुभ भावना और शुभकामना एक तरफ, और एक जिसको कहते हैं कॉरपोरेटिव रिलेशंस या वर्क रिलेशंस, वो दूसरी तरफ है। आजकल हमको कॉरपोरेटिव एथिक्स में भी बहुत सी बातें सिखाई जाती हैं कि आप अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये करिए वो करिए, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्मार्ट है, ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन क्या उसको मनसा सेवा कहेंगे? हाँ क्लाइंट सेटिस्फाई हो गया, लेकिन आत्मा की जो उसमें उन्नति है वो ना होने के कारण आत्मा की क्या उन्नति हुई? फिजिकली उसको कंफर्टेबल जर्नी हो गई। तो आत्मा की जो उन्नति की बात होती है तो शुभ भावना शुभ कामना कि हर एक परमात्मा के नजदीक आए, परमात्मा पिता की उसको पहचान हो जाए, परमात्मा के साथ उसका संबंध जुड़ जाए, और मन के अंदर जो दुर्भावनाएं हैं, गलत व्यवहार है, वो भी खत्म हो जाए। ये इस भावना से जो व्यवहार किया जाता है तो वो कॉरपोरेट कन्वीनियंस से या कॉरपोरेट सेटिस्फेक्शन से ऊपर हो जाता है। उसमें हो सकता है आप किसी को इतनी फैसिलिटीज नहीं दे पाए, लेकिन आपकी शुभ भावना थी कि नहीं सब सब खुश रहे हमारे पास जो लोग भी आए हुए हैं, तो इसको भी हम मनसा सेवा की कैटेगरी में लाते हैं। तो लगभग 85 साल से भी ज्यादा समय जो हो गया है ब्रह्मा बाबा ने जब साक्षात्कार किए, दो मुख्य साक्षात्कार, और उसी समय से ही जो बाबा की भावना रही कि जैसे मैंने ये समझा है परमात्मा ज्योति बिंदु है, अब मुझे ये कार्य करना है, अब मुझे ये जो महसूसता है वो सबको देनी है, और तब जो बीज लगाया और उस परमात्मा के संबंध की महसूसता की जो किरणें फैलाई पूरे विश्व के लिए, कोई एक दो के लिए नहीं, क्योंकि ये अनुभव हो गया था कि भगवान धरती पर अपने बच्चों के लिए स्वर्ग बनाने के लिए अभी ये कार्य जो है कर रहा है, और उस स्वर्ग बनाने के कार्य का सबको लाभ हो तो वो आत्माओं को पता पड़ेगा, तभी तो लाभ ले सकेंगे, तो एडवर्टाइजमेंट कैसे कराएंगे? 85 साल पहले की बात है। तो मनसा से कि इमर्ज करके सब आत्माओं को, खास योगाभ्यास करके अपने सारे जीवन को परमात्मा को समर्पित करके, तो जो बाबा ने सेवा की तो हम देखते हैं आज उसका रिजल्ट पूरे विश्व में। आप रशिया का नाम ले रहे हैं, लेकिन पांचों 6 महाद्वीप के अंदर ये जो सेवाएं चल रही हैं वो ब्रह्मा बाबा ने उस समय इमर्ज करके सब आत्माओं को कैसे परमात्मा के सामने बिठा करके परमात्मा की प्यार की किरणें दिलवाई, वो उसके हमने सैकड़ों दृश्य जहां भी गए हैं देखे हैं। हम जाते हैं
और वहां जो सभाएं लगी होती हैं उसमें से 3%, 5%, कभी कभी 10% भी ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने आपको पहले भी देखा, या हमें आपका विजन साक्षात्कार हुआ, या फिर ब्रह्मा बाबा का कुछ व्हाइट ड्रेस वाले बुजुर्ग व्यक्ति का साक्षात्कार हुआ और वो ब्रह्मा बाबा का चित्र देखते कहते हमने इनको देखा है। तो बाबा ने तो 69 में अपनी अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया और सेवा इन देशों के अंदर, इन स्थानों के अंदर में 90 को शुरू हुई, या फिर 2000 के बाद भी कई सेवा केंद्र खुले हैं इन देशों में। तो कैसे, तो वो भी मनसा सेवा का प्रमाण है कि सचमुच हर एक आत्मा भगवान के नजदीक, मेरी नजदीकी से आ सकती है, इसमें विश्वास का रिजल्ट है। बेहद की मनसा सेवा से पहले आवश्यक है कि हमारे अपने संस्कारों पर हमारी श्रेष्ठ मनसा का प्रभाव हो, हमें ये फीलिंग नहीं आए कि हम इतने अच्छे नहीं बन सकते, हमारे तो आदतें ठीक नहीं हैं, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करने वाले दूसरे लोग हैं, हम नहीं। बाबा ने हमें चुना है, बाबा हमें रोज ज्ञान की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और मुझे ही बनना है। बाबा मुझे आत्मा को निमित्त बना करके अनेकों का कल्याण मेरे द्वारा कराएंगे, इसका पूरा का पूरा पूरा विश्वास हो अपने ऊपर में। ये है अपनी श्रेष्ठ मनसा से अपने परिवर्तन को स्थायी करना। उसके लिए हमें कोई बहुत बड़ी दुनियावी विशेषताएं या एक्सपर्टीज, टैलेंट्स अगर नहीं भी हैं, लेकिन पवित्रता की शक्ति मनसा सेवा का आधार है। पवित्रता अर्थात मैं ये देह नहीं, मैं ज्योति हूं, आत्मा हूं, बीज हूं, शांति सुख आनंद से भरपूर हूं, तो मैं यहाँ किस लिए हूं, इस दुनिया में किस लिए हूं, परमात्मा के घर से मैं यहाँ किस लिए आई हूं, मैं यहाँ पर देने के लिए आई हूं। तो पवित्रता का भाव माना देने का भाव। ये जो हमारे शरीर की 5 कर्म इंद्रियां हैं, जब इनसे हम सारा समय कुछ ना कुछ लेने की भावना रखते हैं, कुछ मिल जाए, कहीं ना कहीं से आदर मिल जाए, कोई अच्छी हमारा हमें सम्मान मिल जाए, कोई मटेरियल सपोर्ट मिल जाए, किसी को भी देखेंगे, चाहे संबंधी हो, चाहे मित्र हो, पड़ोसी हो, कुछ मिल जाए, तो ये तो फिर आकर्षण, पदार्थों का आकर्षण, इसको आत्मिक स्थिति के हिसाब से अपवित्रता माना जाएगा। तो जब आत्मिक स्थिति में स्थित हैं, तो देने का भाव ऑटोमेटिकली अपना काम करता रहता है। जब ये शक्ति है, इनोसेंट है, कोई कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन मुझे अपनी तरफ से हमेशा क्षमाशील रहना है। क्षमा का मतलब ये नहीं है कि कोई भी कुछ ऐसा ऊपर नीचे करे और आप अपनी आंखें बंद करते हो, लेकिन नहीं, अपने मन में आप दुर्भावना जमा नहीं करते, द्वेष भाव आप उसके इंक्रीमेंट नहीं करते, क्योंकि आपको पता है ये बीमारी है, ये इन्फेक्शन है, ये हमें नहीं चाहिए। तो जब आप अंदर इतना स्वच्छ रखते हैं, तो आपकी उपस्थिति से नेचुरली एक इस प्रकार का वातावरण बनता है जिससे अनेकों को पवित्र बनने का उमंग उत्साह आता है। आप ऐसे शहर में रहते हो जहां सारा समय कुछ ना कुछ झगड़े होते रहे और परेशानियां हैं, लेकिन हर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर एक अच्छा पुलिस स्टेशन है, मान लीजिए, तो क्या लगता है फिर
सेफ फील होता है, कुछ भी होगा ना तो पुलिस स्टेशन साथ है, तो पुलिस बाहर आपके पास आके कुछ नहीं कर रही है लेकिन पुलिस स्टेशन है, तो ये सपोर्ट महसूस करते हैं। तो ऐसी आत्माएं जो क्षमा भाव वाली हैं, स्नेह वाली हैं, शक्तिशाली हैं, वो जरूरी नहीं है आप उनके साथ पर्सनली रिलेशन में हैं या वो आपके साथ रहते हैं, लेकिन उनके होने से ऑटोमेटिकली एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होता है। ये फीलिंग आती है कि सब कुछ ठीक है, ये मनसा सेवा है। जैसे कितनी भी मुश्किल हो लेकिन भगवान की याद आ गई तो उस समय व्यक्ति ये समझता है सब ठीक हो जाएगा सब। क्यों? क्योंकि भगवान कल्याणकारी है, सर्वशक्तिमान है, वो मेरा कल्याण होने नहीं देगा। चाहे भक्त भी हो, इतना उसको ज्ञान नहीं है कि कैसे मुझे अपने को सेव करना है। वो भक्त अपनी भावना से भी भगवान को, सर्वशक्तिमान को सामने रखे सेफ फील करता है। तो परमात्मा इस प्रकार की मनसा से जो आत्माओं को अनुभव कराते वो साकाश है, और उसी को ही वो अभी अपने बच्चों से चाहते हैं कि उनके होने से भी सब ये अनुभव करें, सब ठीक हो जाएगा। वंडरफुल थिंग। और वो ऐसे नहीं कि आप कुछ इस प्रकार का बाहर का कुछ अपना उद्यम दिखाने वाली ताकत रखते हो, लेकिन बहुत काल से आपने अपने श्रेष्ठ व्यवहार का जो अटल अचल अंदरूनी अभ्यास करके वो जो शक्ति जमा की हुई है, वो जमा की हुई जो स्थिरता है, वो इस प्रकार की अनुभूति सबको कराती है, सब ठीक हो जाएगा। जैसे घर में भी बच्चे होंगे, कोई चीज की कमी हो रही होगी, माँ नहीं थी, पिताजी नहीं थे, अब वो आ गए घर में तो बच्चे तो सब ठीक हो जाएगा, अब माँ देख लेगी ना। तो रूहानी नाते से ऐसी आत्माएं जिसको ब्रह्मा बाबा ने अपने प्रैक्टिकल जीवन से दिखाया, मम्मा ने अपने प्रैक्टिकल जीवन से दिखाया, शिव बाबा ने ये टाइटल दिया है कि आप साधारण नारी नहीं हो, साधारण पुरुष नहीं हो, लेकिन जगत माता, जगत पिता। तो जगत माता अर्थात जिसके होने से ये महसूस हो। दूसरी जो विशेषता है जो हमें अपने जीवन में जमा करनी पड़ती है अगर मनसा सेवा करनी है तो, या जिसको हमें कहीं सोचने की बात नहीं है करनी है, हम हैं आत्माएं, आत्मिक स्थिति से जो भी कार्य करेंगी उससे सेवा होगी, लेकिन विशेष रूप से निरंतर अशारीरिक होने का जो अनुभव है, देह से न्यारे होकर के चलने का जो अभ्यास है, वो सदा ऐसे अभ्यासी आत्मा के जो संकल्प हैं वो दूर तक भी बैठे हुए व्यक्ति को बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणाएं दे सकते हैं। रशिया के अंदर या और दो भी जो रशियन स्पीकिंग कंट्रीज रही हैं, फॉर्मर सोवियत यूनियन है, कई बार हम आपस में अभी मजाक में बात करते हैं कि कमाल हो आप लोग कि आपने थोड़ी सी अपने टेक्नोलॉजी के अंदर आप इतने ऊपर चले गए कि आपने भगवान को ही ऊपर बिठा या कहा वो है ही नहीं। कमाल कर दिया आप लोगों ने, आपने ऐसा क्यों सोच लिया था कि भगवान है नहीं। अभी हम अभी मजाक करते उनसे, तो 30 साल पहले जब गए थे तो ये तो पक्का था ना उनको कि भगवान तो है ही नहीं दुनिया में। क्यों? क्योंकि अपने
साइंस की शक्ति से, अपनी बुद्धिमता से उन्होंने जिस प्रकार से प्रकृति पर विजय प्राप्त की, अपने साधन तैयार किए और चांद तक अपने रॉकेट्स को पहुंचाया, तो ऐसे ही थी भावना। तो धीरे धीरे जब ये पता पड़ता गया कि इतना ऊंचा जाना, प्रकृति को कंट्रोल करना, मैटेरियल प्रोग्रेस करना, वो इसलिए नहीं हुआ कि कोई बुद्धिमत्ता थी, वो एक प्रकार का इस धरती के प्रति रोष, इंसान के प्रति जो दर्द, इंसानों ने इंसानों को जो दुखी किया, वो दुखी होने के कारण यहाँ पर अभी सब खत्म होना चाहिए, कहीं और चलो, कहीं ऊपर चलो। जैसे कि हम यहाँ जी भर गया ना कि हे प्रभु अब कहीं तू और ले चल। तो प्रभु को तो वो जानते नहीं थे तो पुकारते कैसे, लेकिन ये सोचा कहीं ऊपर जाना है, तो इसी होड़ में ही बस चलते 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 उन्होंने साइंस की तरफ ध्यान चला गया और भगवान के लिए अनाउंसमेंट कर दी वो है नहीं। लेकिन जैसे ही उन आत्माओं का जाना वहां पर हुआ, उनके चरण परमात्मा जो है अपने उन बच्चों को उनके बीच लेकर के गई, जिन्होंने परमात्मा के प्रेम का अनुभव करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया था, तो जाने मात्र से ही सैकड़ों की सभाओं में, हजारों की सभाओं में इस प्रकार की अनुभूति दिखती थी कि ये तो जैसे जन्म जन्मांतर के प्रभु प्रेमी लोग हैं, साक्षात्कार, आंखों से आंसू, और एक घंटे की लेक्चर की बजाय 4 घंटे भी बैठे हैं, फिर भी जाना नहीं चाहते हैं, फिर अगले दिन भी आकर के बैठे हैं, और लेक्चर शुरू होने से 2 घंटा पहले आकर के बैठे हैं। तो अभी अभी तो कहा था कि भगवान नहीं है, अभी अभी तो बोल रहे थे कि हम साइंस से सब कुछ है, लेकिन 2 दिन में कैसे परिवर्तन हो गया, 1 सप्ताह में कैसे परिवर्तन हो गया? तो वो परिवर्तन नहीं हुआ, वो था ही अंदर ही अनुभव। अरे आत्माओं का पिता भगवान है, सबकॉन्शियसली ये कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि ये अनुभव हट जाए। हाँ, उसको स्विच ऑन कराना बिना ज्ञान के संभव नहीं है, या बिना उस आत्मा के संभव नहीं जिसने खुद ये अनुभव किया हुआ। तो या तो परमात्मा उसको टचिंग दे, चाबी लगाएं, अगर वो आत्मा इतनी परमात्मा के नजदीक है लेकिन जानते नहीं तो फिर उसके बारे में तो सोचते नहीं। हाँ, अगर दूसरी आत्मनिष्ठा आत्मा उनको ये महसूसता कराती है तो हो सकता है। तो ये दृश्य दिखाई दिए। अगर उस समय हमने ये सोचा होता, अब मैं अपनी पर्सनल बात करती हूं, कि जब वहां जाना हुआ तो जाने से पहले कुछ भी 1% तक भी रशिया जो है वो कम्युनिस्ट कंट्री है, या रशिया में भगवान को नहीं मानते हैं, या वो लोग आध्यात्मिक नहीं है, इस विषय पे ना मैंने कभी बातचीत की थी, ना सोचा था, ना ही हिस्ट्री की तरफ से कोई ज्ञान उसको बुद्धि में डालने की कोशिश की। पढ़ाई तो पढ़ाते थे, वो सब एक तरफ थी, मन में ये बातें नहीं डाली हुई थी। बिल्कुल क्लियर था जब वहां सेवा के लिए गए कि ये भी बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं, विश्व मेरा परिवार है, और आत्माएं जो हैं वो सब परमात्मा की श्रीमत को बहुत अच्छी तरह से समझ करके अपने जीवन को अच्छा बना सकती। एकदम विश्व क्लियर था। और उसका रिजल्ट फिर क्या हुआ? तो मनसा को अगर हम ओवर पावर करते हैं, माइंड को, अपनी संकल्प शक्ति को अगर हम इन्फेक्शन देते हैं संसार समाचार का, ये बहुत बड़ा इन्फेक्शन संसार समाचार माना बॉडी कॉन्शियस जो विजन है, राष्ट्रवाद है,
जातिवाद है, भाषावाद है, साम्यवाद है, ये सब वादों का जो हम अपने मन के ऊपर में कूड़ा जमा कर, मैं कूड़ा इसलिए कह रही हूं क्योंकि अभी अनुभव होता है, उससे फिर हमारी जो दृष्टि है, हमारे नयन है, वो किस पे जाएंगे? जैसे ही मेरी बुद्धि में ये भरा हुआ है कि ये तो रशियन है ना, ये इंडियन है, ये अमेरिकन है, तो दृष्टि किसको देखेगी? विदेशी को देखेगी। वो हमको कैसे देखेंगे? वो हमें भी विदेशी के रूप में देखेंगे। लेकिन जब मनसा इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसको हमने मनसा को टच करने नहीं दिया, ये है कमाल की बात। उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, उसके आधार पर हम संकल्प की रचना नहीं कर रहे हैं। संकल्प की जो रचना है वो हमारी आदि अविनाशी स्वभाव के आधार पर हो रही है। अरे हम तो एक भगवान के बच्चे हैं ना, ये तो जितने भी देश हैं, ये तो जैसे भगवान की पांच उंगलियां हैं, पांच कॉन्टिनेंट है, पांच कमरे हैं, तो पांच कमरों में पांच भाई रहे हुए हैं। हमारी तो इतनी शक्तिशाली फीलिंग है ना, हमेशा ये बनी रहती है ना, इसे कोई तो राजयोग कहते हैं। तो उसने काम किया, उनको भी वैसे बेसिकली वहां के लोगों को इंडिया से बहुत प्यार है, हर लेवल पर प्यार है, लेकिन वो इंडिया से भी ऊपर होकर के उन्होंने देखा कि ये जैसे हमारे देश में एक हमें सब कुछ देने के लिए आए हैं, हमसे लेने के लिए तो कुछ नहीं आए, और भगवान के बच्चे, इंडियन से भी ऊपर भगवान के बच्चे, तो ये जब फीलिंग आ गई तो उन्होंने सब स्वीकार कर लिया। तो आज हम उस स्टेज पर बैठे हैं जहां ये कहने वाले भी लोग हैं, अरे अगर इतना आपकी भावना शुभ है तो आप ये क्यों नहीं रुकवा देते, गलत काम हो रहा है, या कई ऐसे लोग हैं जो अच्छे लोगों के साथ रहते हुए भी कभी कभी ये भी कहेंगे, ब्रह्मा कुमारीज में भी ऐसे कई लोग हैं कभी उनका व्यवहार देख करके, कि एक तरफ योगी लोग, बड़े महात्मा लोग, लेकिन उनके साथ में ऐसे लोग, तो ये कैसे? अगर आप कहते हो मनसा अपना बड़ा प्रभाव डालती है तो ये क्यों नहीं बदले, ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? तो ये इसको भोलापन कहेंगे। ये ऐसे कहना इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभाव नहीं पड़ता है या पड़ सकता है, लेकिन उसका क्या कारण है? अगर इतने श्रेष्ठ वातावरण के बीच में भी कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसमें श्रेष्ठ वातावरण दोषी नहीं है ना? सूरज की किरणें सबके ऊपर एक तरह से आ रही हैं, लेकिन आपने अपने ऊपर में कुछ ऐसा आवरण कर दिया तो कैसे पहुंचेंगी वो आप तक? किरणें, इसमें सूरज की क्या कमी है? सूरज तो दे रहा है, वो तो सदा ही किरणें लुटाता चला जा रहा है। जितना आप अपने को उसके सामने एक्सपोज करोगे, आपको उससे उतनी प्राप्ति हो सकती है। तो परिवर्तन न होने का कारण अपना जो पुरुषार्थ साथ साथ होना चाहिए, ये जो द्वेष की, क्रोध की, लालच की, ईर्ष्या की, दुर्भावनाओं की, इतनी सारी आत्मा पर जो लेयर्स पड़ी हुई है, लेयर के ऊपर मल्टी लेयर्ड पर्सनालिटी जो बन करके हम बैठे हुए हैं, वो जब तक हटती नहीं तब तक इस श्रेष्ठ वातावरण का भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सेवा को रोक दें, हमें विश्वास है कि होगा, पड़ेगा। और ये खाली विश्वास नहीं है, अनुभव है। ऐसे बहुत थे जिनके कई प्रकार के कर्मों को देख करके सब लोग ये कहें कि नहीं छोड़ो, होपलेस है।
लेकिन हमने अपने जीवन में उनका परिवर्तन किया है, देखा है, उनको ईश्वरीय मार्ग पर लाया है, ईश्वरीय सेवाओं में उनकी उनका जीवन जो है बहुत श्रेष्ठ बना है। मनसा सेवा का, जिसको हम बेहद कहते हैं, एक बहुत बड़ा प्रभाव हमें रोज के बेसिस पर, रेगुलर जिसको कहें, वो अपने धन की स्थिति पर और बीमारी पर, सिर्फ अपने ही नहीं लेकिन औरों की बीमारी पर भी बहुत अच्छी तरह देखने को मिलता है। अगर आप कोई भी कर्म करते हैं सेवा का, लेकिन उसमें भावना है कि इससे मुझे ये मिले, अगर हम सेवा करेंगे तो ये हमारे सहयोगी बन जाएंगे, और सहयोगी बनने के बाद फिर नेचुरली है, जब से व्यक्ति ज्यादा होंगे सहयोग करने वाले, तो आपके पास की मटेरियल साधन भी इकट्ठे होंगे जिससे आप कोई और बड़ा कार्य कर सकते हो। लेकिन ये बीच आपको कभी भी साधन संपन्न, सफलता संपन्न बनने नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये मनसा ही शुरू से ही डिफेक्टिव है, उसके अंदर त्रुटि है, इच्छा की त्रुटि है। तो इच्छा बहुत बड़ा कीड़ा है मनसा सेवा के लिए। अच्छा बनने, ये अच्छे अच्छे काम करने की इच्छा, वो अच्छा अच्छा काम करने की मेरी इच्छा की बात नहीं है, ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु की आज्ञा है। प्रभु की आज्ञा पूरी करने के लिए हमें जो उसने शक्ति और समझ दी है, वो निमित हो करके और निर्माण हो करके, निस्वार्थ हो करके, और जैसे ही वो ये थोड़ा सा फंगस कहो, कीड़ा कहो, इच्छा का वो लगना शुरू हो जाता है, तो उससे जो है एक जैसे वेव्स का, एक एक वेव के बाद पत्थर मारा ना तो कई तरंगे जो है उठती चली जाती हैं। तो आप एक के कारण 10 लोग कंपटीशन में आ सकते हैं। सेवा में भी ये हो सकता है। आपने इस इच्छा से शुरू कर दिया काम की कुछ करना है, कुछ दिखाना है, तो 10 भी कहेंगे अच्छा हम भी करेंगे इस प्रकार वाला। तो देखने में तो लग रहा है कि इंस्पायर हो रहे हैं, लेकिन अगर वो करने में सब परमात्मा को भूल गए तो उन सेवाओं से परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं होगा। और सेवा माना प्रत्यक्षता परमात्मा की होना। कल्याण तो उसको जानने से होगा ना। तो ये कीड़ा जो है इच्छा का, ये सेवाओं में जब सेवा में आ जाता तो तब भी हम उनसे उस प्रकार की सफलता नहीं प्राप्त कर सकते जिसके लिए हमें परमात्मा ने वरदान दिए हुए। विश्व कल्याणकारी भव, तो विश्व का कल्याण उस रीति से नहीं कर सकते। हाँ, उठे हैं, रोज सुबह उठे हैं, आज की क्या आज्ञा है मुझे बाबा, आज आप क्या कराना चाहते हो इस आत्मा से। तो ये भावना से हम उसके सामने खड़े होकर के, सर्वेंट के रूप में खड़े होके, सेवाधारी के खड़े के रूप में खड़े होकर के, फिर जो कार्य बाबा निमित बना के कराए वो भी तरंगों के रूप में फैली हुई, ये भावना भी तरंगे, लेकिन उसमें और उसमें ये वाला अंतर होगा, सूक्ष्म अंतर है। उसमें भी उमंग बहुत लगता है, दिखाई पड़ता है अरे सबको उमंग आ गया ये करो कार्य, लेकिन वो बाप बीच में से निकल जाता, आप रह जाते। अच्छा आप क्या कर लोगे फिर, कितना दे पाओगे लोगों को? आत्मा तो हद वाली है ना, और परमात्मा बेहद का है। तो इस भावना से फिर साधन अपने आप ही आते रहते हैं। अगर हम सर्वेंट होके, मेरी इच्छा नहीं,
प्रभु की इच्छा हाँ मेरी इच्छा है, लेकिन अपनी इच्छा का उसमें कीड़ा नहीं है, वो हद की इच्छा वाला कीड़ा नहीं है। तो कभी भी धन के लिए हमको कोशिशें नहीं करनी पड़ती, मांगना नहीं पड़ता, अनाउंसमेंट्स नहीं करनी पड़ती, किसको क्या करना है, किसको क्या देना है, वो चिंता नहीं करनी पड़ती है। अपने आप होता है, बहुत होता है, ये सब यही है प्रयोग करने का समय। संगम परमात्मा के संग बैठ करके जब हम परमात्मा का कार्य करते हैं, परमात्मा के कंधे पे बैठ के परमात्मा का कार्य करते हैं, वो बिठा करके तो हमें सारे विश्व में ये कार्य कराता है, तो नहीं पड़ती है किसी को कहने की। उनको लगता है कि ये हमारा यूज कर लेना कुछ। अभी ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें हम बैठे हैं, हम कई बातें जो हैं ऐसे पूरी तो खोल के नहीं कह सकते क्योंकि समय भी नहीं होगा, लेकिन इतने वंडर्स होते हैं कि दिखाई पड़ता है। मुझे बाबा कमाल है, आपका तो सारा प्लान बना बनाया है, आप कार्य भी देते हो और देखो ऐसे सब बच्चों को बुद्धि भी दे देते हो उसमें मदद करने के लिए, तो अब फिर मैंने क्या किया, तो मैं तो फ्री रही। बाबा ये तो सब कुछ आप करो, हमें भी दीजिए ना कुछ काम। तो इसीलिए बहुत हम सब योगी बच्चे सेवा करते समय ये मनसा की ये चेकिंग करें, ये त्रुटि ना आ जाए, बस तृष्णा इच्छा नहीं आ जाए। आ तो सकते हैं ना, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का एटमॉस्फेयर ऐसा है। ऐसे ही शरीर की जो बीमारी है, समय भी बताएंगे ना, समय अभी है, समय शायद ओके है दीदी, समय भी ओके। तो शरीर की बीमारी के समय भी हमने वो भी देखे हैं जो बहुत अच्छी तरह से उनको ज्ञान है कि शरीर को क्या देना है, कितना देना है, कैसे खाना है, किस पोषण में खाना है। आजकल की जो बेस्ट डाइट है, कैलोरीज है, बढ़िया से बढ़िया उनको समझ है। लेकिन जब मेरा बाबा धरती पर आया है, वो सब बच्चों के लिए सब कुछ अच्छा चाहता है, सबके लिए चाहता है। अब मैं भी उसकी बच्ची हूं, मेरे लिए भी चाहता है। अब मैं एक अपने लिए इतना अच्छा ध्यान रखूं अपना, और बाकी बच्चों को अगर वैसा नहीं मिल रहा है, मेरे साथ है, आसपास है, वो उनको नहीं मिल रहा है, तो क्या उनको परमात्मा पालना दिखाई देगी? क्योंकि परमात्मा पालना में तो सबसे बड़ी बात एक एक समान पालना की है। तो इसलिए समझ होते हुए भी योग की शक्ति द्वारा देह को चलाने की भावना रखते हुए सबको अच्छा अच्छा अगर आराम करना है तो मुझे नॉलेज है, अगर मैं अच्छा 6-7 घंटे सोऊंगी, 8 घंटे सो जाऊंगी तो अच्छी हेल्थ रहेगी। हाँ भाई नॉलेज है ना, किसको नहीं आजकल ये नॉलेज। लेकिन मैं अपनी नींद पूरी कर रही हूँ, लेकिन दूसरा मेरा भाई है, दूसरी मेरी बहन है, दूसरे सेवाधारी, दूसरे घर के मेंबर्स, काम तो किसी को तो करना पड़ेगा ना, तो वो काम कर रहे हैं और मेरी हेल्थ ठीक है। और फिर अगर मैं ये समझूं कि ये तो योगी है, हम अपनी हेल्थ ठीक करते हैं, अरे योग से हेल्थ ठीक है या तुम्हारी आराम से हेल्थ ठीक है या अपने ऊपर सारे साधन खर्च के हेल्थ ठीक है, वो चेक करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि मनसा से अपने को चलाने ये सिर्फ अभी हो सकता है। तो अटैचमेंट से अपने शरीर के ख्याल रखने में आप कुछ समय चला लोगे, वो देखा है वो, लेकिन फिर सारा समय उसी की चिंता में चला जाएगा।
यही सोचते रहेंगे, नेचर बन जाएगी, एनर्जी भी उसमें जाती जाएगी, तो बंधन आ गया ना, तो फिर आप दूसरों को इंस्पायर नहीं कर सकते कि भगवान को याद करो, तो आपके सब विकर्म विनाश हो जाएंगे, क्योंकि उस रास्ते को पकड़ करके आपने अपने जीवन को स्वस्थ नहीं रखा है। तो हमारे सामने तो हमारे बड़े सैंपल्स रही हैं, दादियां सैंपल रही हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से योग से अपने शरीर को चलाया, तो ये भी मनसा सेवा का रिजल्ट है। जब चिंता करने की आदत लग जाती, चाहे अपने शरीर की, इसको शुभ चिंता कहेंगे, लेकिन जब टू मच सोचते तो ये फिर चिंता चिता वाली चिंता बन जाती, तो हमारे आसपास सब बीमारी होते रहेंगे, मेरी भी अपनी चिंता और जो मेरे पास पास बीमार होते रहेंगे। अभी 2 साल से जो खेल चल रहा है, कोरोना का जो खेल चल रहा है अभी रशिया में, ज्यादा इस प्रकार का प्रभाव एक समय था, फिर कम हो गया, अनाउंसमेंट थी, कोई क्लासेस में नहीं आए, लेकिन एक संकल्प रचा कि हम पूरी सावधानी करें, नियम सरकार के पालन करें, लेकिन ईश्वर रोज की पढ़ाई पढ़ाता है, हम उसको बंद क्यों करें। तो वह संकल्प रचा कि बंद नहीं करना है, तो बंद नहीं किया, तो सब आते भी रहे और अच्छी तरह से चलता भी रहा, खुशी से सब आगे भी बढ़ते रहे, और हुआ, कोई कोई को इफेक्ट हुआ, लेकिन वो इतना हल्का कि ठीक भी होते रहे, कोई निश्चर्य छोड़ा, उसके फिर कई और भी कारण थे, खाली कोरोना नहीं था। लेकिन चिंता करेंगे तो चिंता से तो ऐसे ऐसे करके सब पकड़ता जाता है। तो अपने मन से, मनोबल से अपने शरीर की बीमारियों को आने से पहले ही खत्म कर देना, या अगर हो गई हैं तो बिना घबराए डिटैच होकर के अपने शरीर को परमात्मा, ये घोड़ा है ना, रथ, मैं रथी हूँ और ये रथ है, मेरा अश्व है, इस अश्व की मुझे सेवा करने का मौका मिला है, भगवान इस अश्व को यूज कर रहे हैं, बड़े प्यार से, खुशी से, आनंद से इसको चलाना, और वो कैसे ठीक हो जाता है। तो हमें ये अनुभव अभी बढ़ाने हैं, अपने साथ भी, औरों के साथ भी, एक अगरबत्ती जैसे साइलेंटली, बिना भाषण के भी एक कोने में होगी, सबको पता पड़ जाएगा कि कहीं पर अगरबत्ती है। तो ऐसे ही दिव्यता और श्रेष्ठता वाली आत्मा जहां भी होती है, भले ही मालूम नहीं लोगों को, लेकिन वो महसूस करते हुए कहीं ना कहीं आप तक पहुंच जाते हैं, ढूंढ लेते हैं आपको। तो हमारा तो यही लक्ष्य है, हम सब ब्राह्मण परिवार, जो भी आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा रखने वाली आत्माएं हैं, सबको पवित्रता, देही से जो न्यारापन और इच्छाओं से परे की जो स्थिति है, मीठे बाबा ने हमें दिया, अब उनकी शुभ इच्छाओं को हम पूरा करें, ये इन तीनों बातों को पकड़ के रखेंगे, तो क्यों नहीं हमारी इस मनसा से सबको सुख मिलेगा, और फिर सुखदेव, सुखदेवी जो होने का टाइटल, स्वमान जो हमको मिला है, वो यथार्थ हो जाएगा हमारे प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा। तो इसके साथ ही बहुत बहुत सबको आने वाली जो भी हमारी पुरुषार्थ की, जिसने भी प्लान्स बनाए हैं, उसमें ये एडिशंस करने की शुभकामना। ओम शांति, ओम शांति।
थैंक यू सो मच दीदी, आपने बहुत सहज रीति से हमें मनसा सेवा करना सिखा दिया कि कैसे हम अपने संकल्पों को शुद्ध बना के, श्रेष्ठ बना के अपने आसपास की आत्माओं पर उसका इफेक्ट, उनको पॉजिटिवली चेंज कर सकते हैं। तो और बहुत सारी जो जो इश्यूज आते हैं, हमारी मनसा क्यों पावरफुल नहीं होती है, कहाँ कहाँ एरर हो जाते हैं, कौन कौन सी भूलें त्रुटियां हम करते हैं, वो भी आपने हमें बहुत क्लियर करके और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपने इस पूरी बात को मनसा सेवा से कैसे हम बेहद सेवा करें। वो आज की बात तो बताई भी नहीं आपको, बताइए। वो जैसे अभी अभी आए ना एयरपोर्ट से, बताया कि डेट चेंज हो गई आने की, बातचीत तो आपसे रशिया में बैठ के करनी थी लेकिन दिल्ली में आना पड़ गया जल्दी से। तो अभी जब आ रहे थे तो सबको पता है कि हमारा भोजन जो है हम साथ में लेके चलते हैं ना, फ्लाइट में तो खाते नहीं। तो जो एयर होस्टेस है, एयर होस्टेस कई होती हैं जिनकी पहचान हो गई है इतने सालों से आ रहे हैं, तो वो एयर होस्टेस को बहुत अफसोस हो रहा था मन में। उसको ये था सब इतना कुछ खा रहे हैं और इनका तो देखो, उसको ये भी लगा कि अरे ये तो आपकी टिकट के पैसे में से जा रहा है। मैंने कहा कोई हर्जा नहीं, खाने वाला मिल जाएगा, कोई ना कोई खा लेगा। तो उसने क्या किया, ठंडी तो थी ना बहुत, वहां -10 हो रहा था और फ्लाइट भी ठंडी थी जब तक शुरू हो और जब तक वो पूरा बर्फ से भरा होता है बाहर का हिस्सा प्लेन का, उसको साफ करें तो खूब ठंडा आयरन, ठंडे आयरन के बीच में आप जैसे बैठे थे। तो वो उसको ये लगा कि ये तो कुछ खा तो रही नहीं, तो उसने सारी अपना फ्लाइट के 2 तकिए 3 तकिए आकर के पैर के नीचे रखने लग गए। आप इसको, आपका पैर नीचे नहीं जा रहा, ये ठंडी लगेगी, इसको ये रख लो, फिर 2 कंबल, फिर 3 कंबल, फिर कुछ और पानी की बॉटल्स। अच्छा सिर्फ पानी पीते हो, 4 पानी की बॉटल्स ले आई, पानी तो ले जाओ आप अपना इसको। तो भावना ये, अगर हम ये सोचें कि देखो कि ये लोग हमारा, हम खाना नहीं खाते हैं ना तो ये हमारा खा जाते हैं, हमारा टिकट का पैसा खराब जाता है, वो भी नहीं, सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा हमारे लिए। अब ये अलग से तो बैठ के कुछ फल फल का अरेंजमेंट तो करते नहीं, इस प्रकार का इनका होता नहीं सिस्टम, क्योंकि काट के देंगे तो काट के भी हम कोशिश करके नहीं खाते हैं, पूरा होगा तो ले, पूरा तो रखते नहीं ये लोग। तो उसको भी वो भावना पहुंची, वो सारी फ्लाइट में 6 घंटे की फ्लाइट थी तो मैं समझती हूँ 2-2.5 घंटा तो हर एक मिनट में आके कुछ लेके आए, कुछ लेके आए कि आप ये भी ले लो वो भी ले लो, आराम से ऐसे लगा जैसे स्वर्ग में भगवान यात्रा करता हुआ लेकर के आ रहा है। तो हमें अपने मनसा को कोई भी प्रकार से करप्ट नहीं करना, बस तो स्वर्ग तो यहीं आ जाएगा। ठीक है, ओके। भी बहुत सुंदर अनुभव हमने सुना कि कैसे हमारी वाइब्रेशंस और आत्माओं को भी अनुभव कराती हैं कि उनकी भी मनसा परिवर्तन हो जाती है, हमारी मनसा शुभ हो। तो दीदी जरूर, जैसा आपने हमें गाइड किया है, हम सभी स्व परिवर्तन भट्टी में बैठे हैं, तो हम सब अपनी मनसा को जरूर एम्पावर करेंगे और शुभ और हाई अच्छे चिंतन में रह करके अच्छे वाइब्रेशंस फैलाएंगे। और मनसा से, जैसा आपने कहा ना कि मेरी इच्छा से ना चले, भगवान की प्रभु इच्छा से हमें चलना है, तो उस पर हम जरूर ध्यान देंगे। आज आप हमारे बीच में आए और आपकी इतनी लंबी जर्नी और सुबह आप पहुंचे उसके बाद भी आप हमारे बीच में आए, इसके लिए आपका सभी भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दीदी। सभी भाई बहने अगर अपना कैमरा ऑन करके दीदी को एक हाथ की ताली से, आप लोगों की स्नेही ने खींचा नहीं तो कुछ भी हो जाता था, स्नेही ने लेके आया। थैंक यू दीदी, थैंक यू। अभी हम सब बाबा की याद में बैठे हैं। Oh, oh, oh.
खुशियों की बरसात है। हो गया भगवान हमारा, खुशियों की बरसात है। ढूंढते थे जिसको दल दल, ढूंढते थे जिसको दल दल, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। हो गया भगवान हमारा, खुशियों की बरसात है। हो गया भगवान हमारा, खुशियों की बरसात है। वतन वो खुद खुदा है आ गया, रूप जो आदम में देखा, रूप मन को भा गया। साथी बन के साथ देता, साथी बन के साथ देता, स्वर्ग की सौगात है, स्वर्ग की सौगात है। हो गया भगवान हमारा, खुशियों की बरसात है। हो गया भगवान हमारा, खुशियों की बरसात है।